आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित विचिंतयेत। ऐसे तो होकर कुछ भी चिंतन ना करे, चिंतन करे नहीं, हो जाए तो उसके साथ परवाह नहीं, उसके साथ संबंध जोड़े नहीं, ना अच्छा माने ना मंदा माने, ना ये कि संकल्प होता रहे करे, ना भी ये संकल्प मिट जाए या पैदा न हो, ऐसा कोई भाव नहीं, अपने मतलब ही नहीं। तो ये जो पूर्णा और क्रियाएं होती है, ये सब प्रकृति की है। जब आप संबंध रहित हो जाएंगे तो प्रकृति से अतीत तत्व में स्थिति हो जाएगी, और वो अतीत में स्थिति स्वतः है, गुणातीत पुरुष होता है, वो बनता नहीं है। गुणों से संबंध होने पर, गुणों से संसर्ग होने पर जन्म मरण होता है। कारण गुण संगो से सदा सदी होने जन्म सु, नहीं तो उन गुणों से अतीत स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक गुणातीत अवस्था। इसमें चुप हो जाता, तो ऊंची से ऊंची गुणातीत अवस्था वो स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक सहज। अभी नहीं हुई तो गीता माया है, सनिश्चित योगतव्य योगो निर्विण चेतसा, उक्तावे नहीं अनिर्विण चेतसा, उक्तावे नहीं शनि शनि ऊपर हो गया, ऊपर आप हो जाए। गीता दिन या नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी बिल्कुल नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो है दृढ़ से है कि एक है, वो तो तत्व है जो ही है, वो है क्या, वो तो हुआ हुआ ही है। अपने जो चंचलता बनाई है ये अपने बाधक हुई है, और वो तो है ही स्वतः, जब इसकी उपेक्षा कर देंगे उदासीन हो जाएंगे, ये स्वतः शांत है, स्वाभाविक ही समझ जाएगा। तो उगता भी नहीं, कितना दिन हो गया, कितने महीना हो गया, कितना वर्ष हो गया, कितने जन्म, कुछ नहीं, कहाँ हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं है परमात्मा पर। तो वो परमात्मा की सत्ता है स्वाभाविक, वो स्वाभाविक सबको प्राप्त है, सबकी स्थिति उस परमात्मा में स्वतः सिद्ध है। प्रकृति प्रकृति कार्य के साथ कुछ राग होने से ये सब संसार है, वो अगर राग न हो तो कोई कारण ही नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। जैसे उसका अटलपना सिद्ध है, ऐसे प्रकृति का परिवर्तनशील स्वतः सिद्ध है। ये स्वाभाविक ही सक्रिय अक्रिय नहीं होती है, सर्ग अवस्था में भी अक्रिय नहीं होती, तो प्रलय अवस्था में भी, महाप्रलय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं होती। स्थूल क्रिया इसकी सर्ग अवस्था में होती है, प्रलय में और महाप्रलय में स्थूल क्रिया नहीं होती, परंतु वे क्रिया होती है। जैसे आप नींद लेते तो नींद में कोई क्रिया नहीं करते, सब क्रियाओं छोड़ जाते सब, तो नींद आ जाती है, पर नींद में भी क्रिया होती है। क्या पता कि आप 10-11 बजे सोए और 12 बजे जगा दे तो आंखें नहीं खोलती, कहते वे कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में, और 3-4 बजा उठा खुल जाती, आंखें साफ हो जाती, ठीक है, तो नींद पक्की है भाई। तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है, फल भी कच्ची से पकता है तो उसमें क्रिया होती है, बिना क्रिया पकड़े कैसे। ऐसे नींद में भी क्रिया नहीं हो तो नींद पकड़ेगी कैसे। अब नींद पक गई, अब कच्ची नींद है, तो कुछ भी क्रिया न करने पर भी प्रकृति क्रियाशील है, और परमात्मा तो सब कुछ करने पर भी इसमें कर्तृत्व नहीं है, वो अकर्ता रूप स्वतः सिद्ध है, और ये क्रिया रूप स्वतः ही है। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, कोई उनके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वतः है, और इसका संबंध विदेश भी स्वतः है, वो तो आपका किया हुआ संबंध है, इसके साथ स्वतः संबंध नहीं है। और आप संबंध नहीं करेंगे तो उसके साथ संबंध रहित होना स्वाभाविक है, एकदम स्वतः। एक दो दिन समझ में ना आवे तो कोई परवाह नहीं, ऐसे आप करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही करना है, कुछ नहीं करना, सुख शांत, बाहर से भीतर से मन से बुद्धि से अहम से कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं,
हो गई क्रिया तो कोई हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई। समुद्र में लहर आ गई, उठ गई, फिर शांत हो गई तो हो गई। ऐसे कोई पूर्णा हो गई तो हो गई एकदम। चुप, ये अकल में नहीं आज कोई परवाह नहीं। कुछ करना नहीं है, हमें तो कुछ सोचना नहीं है, और स्वतः कोई वृत्ति हो उसके साथ में अच्छी मांगना है, ना मंदी मांगना है, ना वो पूरा होता रहे ऐसी भावना करना है, और ना ये न हो जाए भावना करना है, ये पूरा बंद हो जाए ऐसा भी नहीं करना है, चलता रहिए। अपने ख्याल नहीं करना, अपना संबंध विच्छेद कर देना है। जैसे संसार में बहुत से पाप और पुण्य होते हैं, पर हम संबंध नहीं जोड़ते तो पाप नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता। ऐसे आपकी पूर्णा में आप संबंध नहीं जोड़े तो संसार मात्र की क्रिया है जो ये पूर्ण हो जाएगी, होकर आप शांत हो जाएगी, न शांत हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। अब क्या मतलब उसे, न शांत से मतलब है, न उसे चंचलता से मतलब है, अब कुछ मतलब नहीं। ऐसे चुप हो जाए, स्वाभाविक शांति है, स्वतः सिद्ध शांति है, स्वाभाविक है। जैसे साहित्य में यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति ठंडा होना है, गर्म कर देते हैं फिर पड़ा पड़ा ठंडा साफ हो जाता है, आप ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि वो ठंडा प्रकृति है। ऐसे ही आप साफ शांत हो जाएगी, प्रकृति करते करते आप साफ शांत हो जाते हैं। इसके साथ आप संबंध जोड़ देते हो तो उनसे वो कर्म बनता है, और बिना संबंध जोड़े क्रिया होती है, कर्म नहीं बनता, शुभ और शुभदायक कर्म नहीं बनता। कर्म में अकर्म है, ये सब क्रिया हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। संबंध जोड़ोगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य होगा, कुछ चिपक जाएगा, और संबंध कुछ नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अनंत जन्मों से संबंध जोड़ा हुआ आप एक क्षण में छोड़ सकते, वह कोई पूर्ण रूप से आएगी तो आ गई, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ये जो मन को लगाने की चेष्टा है, इसकी अपेक्षा कुछ नहीं लगाना, चुप रहना, ये बहुत ही उत्तम चीज है। लगाने से मन जल्दी नहीं लगता, कारण कि एक तो मन मेरा है और एक लगाने की चेष्टा है, तो मेरापन और क्रिया साथ रहने से मन जल्दी शुद्ध और एकाग्र नहीं होता। और संबंध विच्छेद कर दें और करें कुछ नहीं अब, तो स्वतः ही शांत हो जाएगा, मन स्वाभाविक शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। परंतु ये परीक्षा नहीं करे कि मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं देख देख रहे, अपना मतलब नहीं है। जिस चीज को अपने छोड़ दे, कूड़ा कर घर से झाड़ू देकर बाहर फेंक दिया, वो क्या काम आया, किसके काम आया, उसकी क्या दशा है, क्या अवस्था है, अपने तो कूड़ा कचरा फेंक दिया, अवस्था क्या, उसको हमें मतलब क्या, कुछ मतलब नहीं। टट्टी भरिया है, वो किसी काम आई, क्या हुआ, कैसी है, अब क्या मतलब, टट्टी भर लिया बस, ऐसे ही संसार सबकी टट्टी भर गया, अब कैसा है कैसा नहीं, क्या मतलब, ऐसे समझेद कर दे। स्वतः बहुत सुगमता से बहुत श्रेष्ठ तत्व मिल जाएगा, ऐसा आप विश्वास रखें।